मेरे विचार से अब समय आ गया है कि इस घर में एक बहू को लाया जाए। राधा, राधा क्या हुआ? तुम ठीक तो? मैया, मैं भी यही कहता हूं, अब तो इस घर में बहू ला ही दो। वैसे भी दाऊ की आयु हो चुकी है, मन में भावनाएं जागृत हो रही होंगी। नहीं, अब तो इनके विवाह का समय तो आ गया है। सोचने वाली बात है कि जब तक दाऊ का विवाह नहीं होगा तब तक मेरा विवाह कैसे होगा। हंसी ठिठोली तक तो सही था, किंतु इस कृष्ण ने विवाह की बात इस प्रकार क्यों डाल दी? जब दाऊ ने हमारे विवाह की बात छेड़ना चाही तो तुमने दाऊ पर क्यों डाल दी? क्या प्रेम में विवाह करना अनिवार्य है? तुम्हें क्या लगता है? क्यों, विवाह में क्या बुराई है? बात बुराई की नहीं है राधा, बात है बंधन और जुड़ाव की। राधा, विवाह एक ऐसा पवित्र बंधन है जो दो लोगों को एक जीवन के लिए बांध के रखता है, किंतु प्रेम एक ऐसी भावना है राधा जो दो प्रेमियों को अनंत काल तक जोड़कर रखती है। विवाह में कोई बुराई नहीं है राधा, किंतु क्या इसे प्रेम के अनंत बंधन का अंग बनाना उचित होगा? कहना क्या चाहते हो कृष्ण? जो प्रेम अलौकिक है राधा, उसे संसारिक बंधन में क्यों बांधना? हमें देखो, इस क्षण को देखो, अभी भी हम साथ में ही है ना। प्रेम भी यही सिखाता है राधा कि दो लोग, दो प्रेमी पूरे अस्तित्व के साथ हर क्षण एक दूसरे के संग बिताएं, बिना भविष्य की चिंता किए और इन आशाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर एक दूसरे को समझें। तो क्या हम एक दूसरे को उचित प्रकार से नहीं समझते? ये तो समय ही बताएगा ना राधा कि हम एक दूसरे के विकार, गुण, अवगुण जानते हैं या अब भी कुछ जानना शेष है। और वैसे भी अभी तो विवाह की आयु तक नहीं हुई हमारी, है ना? विवाह की ना सही, बांसुरी सुनने की आयु तो है ना। चलो सुनाओ मुझे अपनी बांसुरी। अभी तो सुनाई थी राधे। तो मेरे लिए एक और बार नहीं बजा सकते? दिन रात आठों पहर तुम्हारी ये बांसुरी की मधुर धुन सुनना चाहती हूँ कृष्ण, अपना हर समय तुम्हारे साथ व्यतीत करना चाहती हूँ। रुक क्यों गए, बजाओ ना। राधा, धुन पूर्ण हो गई। अच्छा, पहले तो दिन रात बांसुरी बजाते थे, अब कुछ पलों में धुन पूरी हो जाती है? अर्थात जो तुम तभी कह रहे थे वो झूठ था? राधे,
संगीत की धुन जब प्रेम की भावना से बहती है तभी वो आनंद देती है। यदि मैं वही धुन एक हट पर बार बार बजाऊंगा तो कदाचित उसमें वो भावना नहीं रहेगी। अर्थात भावना इतनी शीघ्र बदल जाती है कृष्ण, क्या कभी मेरे प्रति तुम्हारी भावना भी बदल जाएगी? नहीं राधा, किसी भी बात की अति बुरी होती है राधा। ये आप क्या कर रहे हैं बड़े भैया? वही जो कदाचित मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए। मैं स्वीकार करता हूं कि मैं राधा के योग्य नहीं। आज के बाद मैं राधा को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं करूंगा। कृष्ण, मैं चाहता हूं कि अब हम एक अच्छे मित्र बन जाएं। यदि मैंने आपकी मित्रता स्वीकार कर ली तो आपको क्षमा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मित्रता में क्षमा के लिए कोई स्थान नहीं है बड़े भाई। धन्यवाद कृष्ण। मित्रता में धन्यवाद के लिए भी कोई स्थान नहीं। अच्छा, तो मुझे प्रमाण दो कि तुम इस संसार में मुझसे अधिक प्रेम किसी से नहीं करते। क्या? राधा, अपने प्रेम का और कितना प्रमाण दूं मैं तुम्हें? बस एक और बार वचन दो कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब भी मैं तुम्हें पुकारूंगी तब तुम आओगे, चाहे तुम कहीं पर भी हो, किसी के साथ भी हो। वचन दो कृष्ण। दिया वचन। सच? तुमने मुझे बहुत पसंद कर दिया है कृष्ण। स्पष्टीकरण बस यही तो देती है और बातों नहीं देती हो तो परिणाम। महाराज, परिणाम इसलिए नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारा मार्ग उचित नहीं है। बल से या छल से कृष्ण को मारा नहीं जा सकता। तो कैसे मरेगा वो? मकड़ी को मारता है उसी का बुना हुआ जाल, और कृष्ण को मारेगा उसका विश्वास। कृपया मेरी योजना सुन लीजिए महाराज, एक और बार सुन लीजिए। मेरा पुत्र अयन कृष्ण का विश्वास जीतेगा। कृष्ण और उसके मित्रों के मध्य राम को जन्म देकर उसे उन लोगों से दूर कर देगा और स्वयं कृष्ण का सबसे बड़ा हितैषी बनने का स्वांग रचेगा। महाराज, मेरा पुत्र कृष्ण का इतना विश्वास जीतेगा जितना कि कृष्ण स्वयं बलराम पर नहीं करता। एक कर्तव्यनिष्ठ अंगरक्षक की तरह वो कृष्ण के पास, बहुत पास रहेगा। और सोचिए महाराज,
सामने से वार करना बहुत कठिन, परंतु पीछे से वार करना बच्चों का खेल है। योजना अच्छी, परंतु इस बार असफल हुई तो तुम्हारे प्राण नहीं लूंगा मैं। बस दुश्मन के सामने तुम्हारा सत्य ले आऊंगा। बस फिर जो दूंगा तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल पाने के लिए। तो खट्टा है। खट्टा है? मीठा तो है। कहाँ गया? जब तक राधा माखन न चखेगी माखन मीठा कैसे होगा। रात हो गई है, अंधेरा हो गया है। जब राधा की आंखें खुली तो संसार में अंधेरा कैसे हो सकता है। राधा कृष्ण सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे स्टार भारत पर।